क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चार्ज है पाई इंटू 10^-6 कूलम का इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मच रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक रिंग है और इस रिंग पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग जो है रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के अबाउट। तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज जो है रोटेट हो रहा है और इस चार्ज के रोटेट होने से जो है एक करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा और उस करंट की वैल्यू जो है एवरेज करंट की वैल्यू इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन कैपिटल टी के बराबर। तो क्यू अपॉन 2π बाय ओमेगा क्यू ओमेगा बाय 2π करंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं। आपके पास चार्ज की जो वैल्यू है वो है पाई इंटू 10^-6 ओमेगा इज 60 डिवाइडेड बाय 2π। तो पाई से पाई गया, दो से गया 30 टाइम्स, सो इट्स 30 माइक्रो एम्पियर के बराबर करंट इसमें बह रहा है इस रिंग के अंदर। अब आपको ये बताना है कि इस रिंग के एक्सिस पर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दूर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दूर, रेडियस इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उनका रेशियो आपको बताना है कितना। तो मैं जानता हूं कि चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो यहां मैं लिख सकता हूं के इज 9 × 10^9, चार्ज कितना है आपके पास पाई इंटू 10^-6 और यहां पे एक्स की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है 5/100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो बेटा सेंटीमीटर क्यूब आपको मिलने वाला है, सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10^-6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा एसआई यूनिट्स में। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4π 2i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है 10^-7 इंटू 2 इंटू करंट कितना निकाला था 30 माइक्रो एम्पियर 30 × 10^-6 इंटू रेडियस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इंटू 10^-4 और डिवाइड में ये सब चीज़ लिखनी है, यानी कि ये डिनोमिनेटर कॉपी कर देना है 20² + 5² रेज टू द पावर 3/2 इंटू 10^-6। अब आपको इनका रेशो लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको, कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा December 18, December 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स। और इस ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पर जाके इनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइस और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइस आपको मिलने वाला है और साथ में स्कॉलरशिप भी यहां पर होने वाली है। और यहां पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1,00,000 का प्राइस है और यहां पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है, ये सारे जो हैं प्राइजेज आपको यहां पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन 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 सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि ITJEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज़्यादा दूर नहीं है,
11 AM को ये होने वाला है, क्लास 11th, 12th और 13 के लिए। 60 मिनट का पेपर होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशियंट है सवालों को करने के लिए। और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन और JBL के हेडफोन्स और अमेजोन के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है, और जो बच्चे IIT JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली है, और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे वन पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारे क्लासेस और आपके जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो JEE Main 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, JEE Main और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर JEE Main एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, और बैच स्टार्ट होगा 15th of December को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में JEE फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें दिया है कि एक थिन बट लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट अलॉन्ग इट्स लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सर्फेस इनसाइड द ट्यूब एंड आउटसाइड द ट्यूब। तो इनसाइड आर बाई टू और आउटसाइड आर बाई टू आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है कितनी होगी सरफेस से आर बाई टू मेजर करना है। सो हमारे पास एक ट्यूब है जो हॉलो है, हॉलो ट्यूब, और इसकी रगों में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है आई के बराबर, यानी कि यहाँ से जो है करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, आउटर सरफेस से करंट आई के बराबर फ्लो हो रहा है लाइक दिस। तो सरफेस से आर बाई टू, या कह सकता हूं सेंटर से आर बाई टू, एक ही बात है, सेंटर से और सरफेस से आर बाई टू यानी बीच में बात करूं तो ये एक पॉइंट है, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि एक एम्पीरियंस लूप यहां पे मैं अज्यूम करने वाला हूं, एक एम्पीरियंस लूप यहां पे अज्यूम करूंगा इस तरीके से, और मैं ये कह सकता हूं सिमेट्री से कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, यहां पे आई का मतलब होता है कितना करंट इसने इनक्लोज कर रखा है इस अंदर, इस लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है, क्योंकि करंट तो सिर्फ बाहर है, अंदर कोई भी करंट यहाँ पे नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ आई इनक्लोज की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो के बराबर होगा, और अंदर जो पॉइंट आपसे पूछा गया है, इनसाइड जो पॉइंट है, वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलने वाला है। अब बात करें सरफेस से आर बाई टू बाहर, यानी सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी 3r/2, और यहाँ पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पे बनाएंगे, और इस एम्पीरियंस लूप के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होने वाला है, और इस एम्पीरियंस लूप की जो रेडियस है मैं मान के लेता हूँ है ही 3r/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्पीरियंस लॉ इस्तेमाल करने पर बी इंटू 2πr, r की जगह 3r/2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये जो एम्पीरियंस लूप है ये पूरा का पूरा करंट जो है इनक्लोज कर रही है अपने अंदर, तो लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है, देखिए सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 गया और आपको मिलेगा यहाँ से बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 3πr। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें इनर और आउटर रेडियस ए और बी के बराबर है, कैरीज अ करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड द ट्यूब एंड जस्ट आउटसाइड द ट्यूब। तो इनसाइड द ट्यूब एंड आउटसाइड द ट्यूब दो पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो यहां पे मैं बना देता हूं आपके पास कि ये एक ट्यूब है और ये इनर वाला पार्ट है और ये आउटर वाला पार्ट है। इस तरीके की सिचुएशन है यहां पे, और करंट जो है बेटा इस वाले पार्ट में से जा रहा है, सिर्फ इस वाले पार्ट में से जा रहा है करंट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से करंट ऊपर जा रहा है। तो हमें निकालना है कि जस्ट इनसाइड इस स्ट्रक्चर के कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और जस्ट आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इनसाइड जो है मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन को कंटेन करने वाला मैं एक एम्पीरियंस लूप यहां पे लूंगा, और इस एम्पीरियंस लूप में कह सकता हूं मैं कि एम्पीयर्स लॉ लगाने पर मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई। अब इस एम्पीरियंस लूप के अंदर, इस छोटे से लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा है, तो मैं आई की वैल्यू कह सकता हूँ जीरो के बराबर है। सो बी वन की जो वैल्यू है जीरो के बराबर आपको मिल जाएगी, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं होगा। अब मैं जस्ट आउटसाइड वाले किसी पॉइंट की बात करूं यहां की, तो यहां पे आप एम्पीरियंस लूप बनाते हैं। मान लेता हूं यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर के बराबर है। जस्ट आउटसाइड कहां है तो मैं कह देता हूं कि ये बी के बराबर है। ठीक है, जस्ट बी के बराबर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल is equals to mu naught into I। सिमेट्री से कह सकते हैं हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एक समान है और डायरेक्शन जो है ऐसे होने वाली है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से। सो यहाँ मैं लिखूंगा b into 2 pi b is equal to mu naught into I। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पर mu naught I by 2 pi b। जस्ट इनसाइड हमने बता दिया ट्यूब के, जस्ट आउटसाइड हमने बता दिया ट्यूब के। ठीक, अब मिडिल वाले पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक डिस्टेंस x दूरी पर एक पॉइंट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप एक एम्पीरियंस लूप यहाँ पे बना लीजिए और मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम्पीयर्स लॉ के अकॉर्डिंग b into 2 pi x is equals to mu naught into I dash। I dash के बराबर करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं यूनिटी मेथड लगा सकते हैं कि पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जाता है आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जाएगा आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैं कह सकता हूँ कि इस वाले एरिया से कितना करंट जाएगा इस वाले एरिया से, ये एरिया कितना है पाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकता हूँ पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया से कितना करंट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं आई अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना करंट जाएगा और यही आई डैश के बराबर है। आई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपके पास आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है बी की। ठीक है, भी आपको मिल जाएगा, इतना होगा इनके बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट आउटसाइड बता दिया, जस्ट इनसाइड बता दिया, बीच में बता दिया कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, यही आपसे पूछा था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 62 यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, 52 सॉरी। तो ये दो हमारे पास लार्ज मेटल की शीट्स हैं और उनमें सरफेस करंट जो है फ्लो हो रहा है एज शोन इन द फिगर। तो ये शीट जो है कुछ इस तरीके से है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, शीट कुछ ऐसे है, शीट इस तरीके से है और शीट को दिखाया गया है इस तरीके से कि आपको जो है सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है और करंट जो है इस शीट में बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ जो है
यहाँ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और नीचे वाली शीट में जो करंट है वो अंदर की तरफ जो है फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि द करंट थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ डीएल, यदि इसका थिकनेस जो है विड्थ जो है वो डीएल के बराबर है तो वो केडीएल के बराबर जो है वो आपके पास टोटल करंट है, टोटल करंट पूरी विड्थ में केडीएल के बराबर है। तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं एक टर्म जो है इसको कहते हैं कि करंट पर यूनिट विड्थ, वो आपको मिल जाएगा कि टोटल करंट कितना है केडीएल और इसका विड्थ कितना है डीएल। तो डीएल से डीएल गया आपको मिल जाता है के, और ये करंट पर यूनिट विड्थ जो है ये इंपॉर्टेंट होता है शीट के केस में। तो हमें निकालना है कि पॉइंट पी क्यू और आर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितनी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है और मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो पहले मैं बात करूं पॉइंट क्यू पे इस शीट की वजह से जो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड वो होने वाला है इस तरफ। मैं वही इस्तेमाल किया है कि शीट को मान सकता हूं कि ढेर सारे वायर से मिलकर बना है, तो वायर्स में जो करंट है करंट की डायरेक्शन में अपनी जो थंब है राइट हैंड का उसको पॉइंट कीजिए और आपका जो पाम है पाम का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट क्यू पर इस शीट की वजह से होगा राइट डायरेक्शन में और जिसकी मैग्नीट्यूड होने वाला है म्यू नॉट के बाय टू के बराबर। और यदि मैं बात करूं इस शीट की वजह से पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पे अपना जो है थंब रखिए करंट की डायरेक्शन में और पाम की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से होगा बी के बराबर। बी की वैल्यू अगेन कितनी है म्यू नॉट के बाई टू, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता यदि इनफाइनाइट शीट है, करंट पर यूनिट विड्थ के बराबर है। तो आपको यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू के, ये आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट क्यू की और पॉइंट आर की। पॉइंट पी की बात करें, पी और आर की, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से वो लेफ्ट में है, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में है। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं म्यू नॉट के बाई टू और म्यू नॉट के बाई टू, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना आ जाएगा आपके पास जीरो। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब बात करें पॉइंट आर की, पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, कितना आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट के बाई टू, और इस शीट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, राइट डायरेक्शन में म्यू नॉट के बाई टू। देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख रहा हूँ और जो पाम की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको आर पॉइंट पर मिल जाएगा जीरो के बराबर। तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो, म्यू नॉट के और जीरो के बराबर। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। ही कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट क्यू इन अ डायरेक्शन गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। तो पॉइंट क्यू पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड था राइट डायरेक्शन में, ओके, उसकी वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट के बराबर। अब एक पार्टिकल को इनसाइड द पेपर प्लेन हमने प्रोजेक्ट किया है, इनसाइड द पेपर प्लेन उसको प्रोजेक्ट किया है और इसकी वेलोसिटी जो है अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, मास इसका एम है। तो देखिए इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो वी क्रॉस बी यदि देखें तो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी बी के बराबर। तो नीचे की तरफ फोर्स है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसका जो पाथ होने वाला है वो कैसे होगा, देखिए ये वेलोसिटी इसकी इधर है, फोर्स इस पे इधर है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाने वाला है, इस तरीके से घूम जाएगा। एक प्लेट यहाँ रखी है और दूसरी प्लेट जो है यहाँ रखी है, आपको क्या बताना है। फाइंड, इट इज फाउंड दैट इट डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस आर बिटवीन द टू प्लेट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मैं कह सकता हूँ ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R is equals to m v divided by q into b, b कितना है म्यू नॉट के बराबर। k भाई कूलम्स कांस्टेंट मत लिख के, लिख के आ जाने से, एक k एक कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको दिया था पिछले वाले पार्ट में। तो यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं दैट म्यू नॉट के q r डिवाइडेड बाय m, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड आपको मिल जाती है यहां पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ।
कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट दिस मच इज इक्वल टू दिस मच टेस्ला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। इस सवाल को कराने का मतलब यही है कि आपको फॉर्मूला जो है याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एन, और इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर के बराबर। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा है 5 और 4 20, सो आपको मिलेगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2। तो आपको ये मिल जाता है 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 20, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाएंगे। सो ये 100 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय 20, तो ये 5000 टर्न्स पर मीटर आपको मिल जाएगा, 5000 टर्न्स पर मीटर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इज फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर, यानी कि जिस वायर को लपेटा गया है उस वायर का रेडियस आपको दिया है, वायर का एक तरीके से कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द थिकनेस आपको दिया है, ओवर अ सिलेंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम सो दैट सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम का यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए यदि मैग्नेटिक फ्रेम यदि वहाँ पर होगा तो एक उसका खुद का इंट्रिंसिक जो मैग्नेटिक फील्ड है और वायर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको नॉन मैग्नेटिक मटीरियल लिख दिया है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लिखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ करंट के फ्लो होने से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सिर्फ वही आपको कैलकुलेट करना है, उसी को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। तो यहाँ कहा है कि सो दैट सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर, एकदम टच करा के एकदम बहुत ही ज्यादा टाइटली जो है बाइंड किया है इसको, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। करंट आपको दिया है तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सेंटर पे कितना होगा। तो सोलेनॉइड जो है एक पाइप होता है और उस पाइप पर लिपटा है वायर, पाइप पर लिपटा है वायर और वायर बहुत ज्यादा पास पास एकदम टच कराते हुए जो है वो लगाया हुआ है, टच कराते हुए ऐसे जो है वायर पूरा यहां से लेके यहां तक बांध दिया है। अब आप देखिए बेटा ये वायर जो है, जो ये वायर बांध रखा है, इस वायर का जो डायमीटर है वो डायमीटर कह सकता हूं यही थिकनेस है इस वायर की, वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके का होगा। एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यदि आपको मालूम है या इसका डायमीटर मालूम है तो हम कह सकते हैं यही इसकी थिकनेस होने वाली है। एक वायर जैसे ये मान लीजिए आपके पास पेन है, इस पेन का जो थिकनेस है मैं कह सकता हूँ वही डायमीटर है इसका, वही इसके क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है। तो आपको क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ इस वायर की जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी 1 मिलीमीटर के बराबर। अब मैं मान लूँ कि पूरी लेंथ जो है वो एल के बराबर है, इस सोलेनॉइड की लेंथ एल के बराबर है, सोलेनॉइड की लेंथ एल के बराबर है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स समा गए होंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि टोटल लेंथ जो है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए एन चक्कर फिराए हैं और एक चक्कर की जो विड्थ है कितनी है टी के बराबर है या कह सकता हूँ 2R के बराबर है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है आपको मिल जाएगा, एन अपॉन एल की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन टी के बराबर मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, आपको मिल जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विच इज म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एन की वैल्यू है 10 टू द पावर 3, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। तो ये अच्छा सवाल था, मेंस लाइक है क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है इतना है 0.01 ओम इन ईच मीटर, यानी कि ओम पर मीटर में आपको दिया है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दिया है। इज यूज्ड टू वाइंड अ 400 टर्न सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड की स्पेसिफिकेशंस आपको दी हुई हैं, ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की जो लेंथ है
वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर और सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो आपको दिया है 1 सेंटीमीटर और इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कितने चक्कर यहाँ पे लगाए हैं वायर ने और नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं कितने 400 के बराबर n इज इक्वल टू 400। तो EMF ऑफ द बैटरी विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द सोलेनॉइड विल कॉज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला। यदि यहाँ पे हम एक बैटरी यहाँ लगा देते हैं तो बैटरी की वजह से क्या होगा करंट इस वायर में फ्लो होगा और उस करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि करंट जो इस लूप में फ्लो होगा, इन सारे वायर्स में जो करंट फ्लो होगा, दैट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि हमारे पास 400 टर्न्स हैं और रेडियस सोलेनॉइड की पता है, सो 400 इंटू 2 पाई आर इतनी लंबाई जो है का वायर इस्तेमाल हुआ है और इतने मीटर लंबाई हमें लेंथ मिल चुकी है और इसमें यूनिट मीटर का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, टोटल करंट आपको पता चल जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई के बराबर, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी विच इज 10^-2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट कितना होता है 4π × 10^-7 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो आपको मिल जाएगा 400 / 20 सेंटीमीटर 20 × 10^-2। तो यहाँ से करंट आपको मिल गया और यहाँ से करंट आपको मिल गया और दोनों को जो है आप इक्वेट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी वैल्यू, इसकी EMF की वैल्यू जो है आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कि एक टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड है जो करंट कैरी करती है 2 एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर का करंट ये कैरी करती है। एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू एग्जीक्यूट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनॉइड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर पर मीटर इन दिस सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हमें करंट पता है 2 एम्पियर के बराबर और हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी पता है। इलेक्ट्रॉन जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो उसकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/time period, दैट इज qb/2πm। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं qb/2πm, ये आप लिख सकते हैं फॉर्मूले में। फ्रीक्वेंसी बताया आपको 10^8 है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10^-19, बी की वैल्यू नहीं पता 2 × π × mass 9.1 × 10^-31। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको पता चल गया, करंट आपको पता है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको मिल जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट इंटू आई। बी आपको मिल चुका है ऑलरेडी, आपको म्यू नॉट पता है 4π × 10^-7 और करंट आपको पता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा आंसर, बी की वैल्यू यहाँ से लिख दूंगा मैं, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10^8 × 2π × 9.1 × 10^-31 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10^-19। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10^-7 और करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर के बराबर है। तो यहाँ से पाई गया, 2 से गया 2 बार और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 9.1 है, ये 2 × 4 है, 4 × 16 = 64, सो 9.1 / 6.4 × 10^8 10^-31 कितना हो गया 10^-23, सो 10^-23 यहाँ है, -19 और ये -7 कितना हो जाएगा आपके पास प्लस -26 हो जाएगा, -26 और -26 इधर जाएगा तो +26 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाता है 91/64 × 10^3 1000। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है नंबर ऑफ टर्न्स की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59, जिसमें दिया है कि टाइटली वुंड लॉन्ग सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है एन के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है एंड इट कैरीज अ करंट आई, जो करंट ये कैरी करती है आई के बराबर है। सारी वैल्यूज जो है लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल है और इसका लेंथ जो है एल है, लेंथ इज इक्वल टू ए, रेडियस जो है आर के बराबर है और करंट जो है इसमें आई के बराबर है।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 4π × 10⁻⁷ जरूरत नहीं है, म्यू नॉट की फॉर्म में लिखिए से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड पे कि सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करता है। पार्टिकल हैविंग अ चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां से इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होता है। अब वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सो वी क्रॉस बी अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, तो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा? इस तरीके का पाथ जो है ये ट्रेवल करेगा, इस तरीके का पाथ ट्रेवल करेगा। यदि यहाँ से छोड़ा है तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म करेगा, ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा ये सर्कुलर मोशन। सो हमें बताना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को ये स्ट्राइक ना करे तो क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए? हम जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रेडियस उस सर्कल का होगा। तो मैं कह देता हूँ कि ये जो रेडियस है 2 times radius दिस शुड बी इक्वल टू और लेस देन, यदि हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग कंडीशन की, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो रेडियस है इस सर्कल की, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ है सर्कल, उसका रेडियस शुड बी इक्वल टू आर बाई टू। तो बस आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आर बाई टू रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। बस आपको यहाँ से मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है दैट आर क्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2m, ये आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी उस पार्टिकल की। इससे ज़्यादा स्पीड से वो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल जो है वो टकरा जाएगा इसके पेरीफेरी से, ठीक है।